जिंदगी में जो लर्निंग की थी, जो नॉलेज आया सिंध में, ग्रास रूट पे, सोशल सेक्टर में, हेल्थ में, फिर फेडरल लेवल पे, फिर स्पेशल एजुकेशन में, उसको जैसे चीफ सेक्रेटरी जब मैं गिलगित बल्तिस्तान में गया, तो बीइंग हेड ऑफ द सिविल सर्विस, आई हैड लॉट ऑफ स्पेस टू इनोवेट एंड टू हेल्प पीपल। हमने कोडिंग फेलोज और एआई और चेस फेलोज को हायर कर रहे हैं, जो अगले 4 हफ्ते में हायर हो जाएंगे। तकरीबन 200 स्कूलों में प्लेस होंगे, ग्रेड 1 टू 5 में, बेसिक कोडिंग एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई, जिसको आप बात कर रहे थे कि एआई को इस तरह यूज करें कि नेक्स्ट करिकुलम को एक्सेस करने और यूज करने के वो आदी हो सके। वी आर गोइंग टू हैव अ नेशनल मैथ्स ओलंपियाड, वी आर गोइंग टू हैव अ स्टैम्प ओलंपियाड अक्टूबर में। फिर पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने पूरे इस्लामाबाद में समर फिएस्टा, समर कैंप्स किए हैं, 50 50 डिफरेंट थेमेटिक एरियाज, फ्रॉम टेक बूट कैंप्स टू चेस टू माइंड गेम्स टू योगा टू आर्किटेक्चर कैलीग्राफी, यू नेम एनीथिंग, पूरे बच्चे यहाँ इंगेज रहे। अब ये एआई का जो दौर है, मेरी ख्वाहिश है बहुत कि ये बच्चों के हाथ में पहुंच जाए और ये इससे भरपूर फायदा उठाएं, और ऐसा ना हो कि हम इससे भी पीछे रह जाएं। और मैं उसमें आपसे मदद का भी दरख्वास्त गारूंगा, और इंशाल्लाह आप जहां भी इसको इस्तेमाल कर सकें वो भी दरख्वास्त गारूंगा। तो हमने टारगेट ये बनाया है कि 5th ग्रेड में हम बच्चे को कंप्यूटर सैवी इतना करते हैं, इंटरनेट सैवी इतना करते हैं कि वो 6th ग्रेड में जाके $100 a month कमाना शुरू कर दे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे साथ पाकिस्तान के चीफ सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन हैं, और इससे पहले ये चीफ सेक्रेटरी प्रोविंस के रह चुके हैं, गिलगित बल्तिस्तान के। बहुत ही हम्बल स्वीट इंसान हैं, इनकी बहुत तारीफ़ें मैंने दूसरों से सुनी हैं जो इनके साथ काम करते हैं। तो अपने मुँह ज़्यादा नहीं बोलते ये, तो मैंने सोचा कि इनसे गुजारिश करूँ कि आज आप हमारे साथ पॉडकास्ट कर लें, जाके आपके मुँह से भी थोड़ा सा डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ थोड़ी सी चीज़ें आ जाएं, इंफॉर्मेशन आ जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका मोहिद्दीन भाई टाइम देने के लिए। यू आर अ बिजी मैन, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू लर्न मोर अबाउट कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या करते थे, क्या करना चाहते हैं, और अब ये जो आपने गूगल के साथ पार्टनरशिप करके कितना खूबसूरत स्कूल बनाया है, पाकिस्तान के क्या दुनिया के खूबसूरत तरीन स्कूलों में वो अब शामिल हो गया है, प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में। तो कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर दैट आर इन ऑर्डर। तो प्लीज़ अपने बारे में बताइए, और आई वुड लव के और लोग भी फिर आपको आपसे सीख सकें। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी जी, बहुत शुक्रिया। बेसिकली जी, मेरा ओरिजिनली जो मेरा कैरियर था वो इंजीनियरिंग का है। तो मैं आपके शहर कराची में कुछ 1 डेढ़ साल दाऊद इंजीनियरिंग में मैंने पढ़ा, उसके बाद आई वेंट बैक, फिर यूईटी टेक्सला से मैंने कंप्लीट किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 साल की। फिर मैंने 1994 में सिविल सर्विस का एग्जाम दिया और 1995 में सिविल सर्विस ज्वाइन की, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। मेरे पहले 5 साढ़े 4 साल सिंध में गुजरे, वॉज एसी हैदराबाद, दड़खाना, सक्कर, मीरपुर का। देन आई केम बैक टू इस्लामाबाद, यहाँ फेडरल गवर्नमेंट में कुछ मिनिस्ट्रीज में रहा। देन आई वेंट अब्रॉड ऑन अ स्कॉलरशिप, दो एक स्कॉलरशिप पे मैंने डेवलपमेंट और लॉ में डिग्रीज दी। देन आई केम बैक, फिर मैं अर्थक्वेक आया था 2006 का, उसमें बहुत बड़ी अथॉरिटी बनी थी, अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन अथॉरिटी, उसमें मैंने 1.5 2 साल काम किया। फिर मैंने कुछ अर्सा इस्कॉनमेंट पे एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एक गवर्नेंस का प्रोजेक्ट पे काम किया। देन आई वेंट टू पंजाब, वहां पर मैं मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन रहा फॉर 1.5 टू 2 ईयर। फिर मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रहा, सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन रहा, फिर फेडरल गवर्नमेंट आया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा, फिर मैं डायरेक्टर जनरल बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पंजाब रहा, फिर मैं वापस आया, फिर मैं एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन रहा 2 साल। एंड देन आई वेंट टू गिलगित बल्तिस्तान एज चीफ सेक्रेटरी, वहां से वापस आया हूँ, पहले स्पेशल सेक्रेटरी और अब सेक्रेटरी फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग का हूँ। तो ये मैंने आपको मुख्तसर टाइम पे आपको एजुकेशन और प्रोफेशनल कैरियर की एक छोटी सी रुदात सुनाई है। और इन द मीन वाइल जिंदगी में जो लर्निंग की थी, जो नॉलेज आया सिंध में, ग्रास रूट पे, सोशल सेक्टर में, हेल्थ में,
फिर फेडरल लेवल पे, फिर स्पेशल एजुकेशन में, उसको एज ए चीफ सेक्रेटरी जब मैं गिलगित बल्तिस्तान में गया, तो बीइंग हेड ऑफ द सिविल सर्विस, आई हैड लॉट ऑफ स्पेस टू इनोवेट एंड टू हेल्प पीपल। तो वहां मैं पहली दफा, मैंने आपने खुद बताया, स्कूल मील्स प्रोग्राम का स्टार्ट किया, बियासी स्कूलों में किया विद द हेल्प ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अल्लाह वाला ट्रस्ट। उसका फायदा क्या हुआ, कई स्कूलों में 25% एनरोलमेंट बढ़ी, कईयों में 100 बढ़ी, कई में 50%, तो द एनरोलमेंट वेंट अप, अटेंडेंस वेंट अप फ्रॉम 60% टू 95%, रिटेंशन 100% हो गई, ड्रॉप आउट जीरो हो गया, क्वालिटी लर्निंग में इजाफा हुआ। उसके साथ हमने मैंडेटरी आई स्क्रीनिंग शुरू कर दी, बच्चों को जो शॉर्ट साइटेड थे प्री क्लासेस दे दिए। एक हेल्थ की इंटरवेंशन से आपने एजुकेशन के 5 ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर दिए। उसके बाद वहां मैंने देखा रिमोट एरियाज हैं, कोविड के लॉसेस से लर्निंग, तो मैंने वहां पर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, लेवरेज करते हुए ऑफलाइन जो लर्निंग कंटेंट था उसको इंट्रोड्यूस किया थ्रू स्मार्ट स्कूल। तो हर हायर सेकेंडरी स्कूल को मैंने स्मार्ट स्कूल में कन्वर्ट किया विद एक्टिव एलएमएस सिस्टम, ताकि बच्चों को वीडियो एडिट मटेरियल थ्रू एलएमएस एक्सेस हो सके, क्योंकि टीचर्स की वहां शॉर्टेज थी। अच्छा, वहां क्रोम बुक्स गूगल की में लेकर आया, और उसका फायदा ये हुआ कि वो उनकी 8-8 9-9 घंटे की बैटरी लाइफ थी। बहुत कम लोगों को पता है कि गिलगित बल्तिस्तान नेशनल ग्रिड पे नहीं है, तो इसलिए वहां 18-18 20-20 घंटे पावर आउटेजेस होती हैं। तो ये सोल्यूशन ने बड़ा हेल्प किया। फिर उसी स्मार्ट स्कूल्स को हम एक्सटेंड करते गए, और जब तक मैं पोस्टेड रहा तकरीबन 250 स्कूल मजीद उसमें एडअप हो गए। फिर वहां पे हमने स्कूलों की इन्वायरमेंट को रीइन्विग्रेट किया, कलरफुल किया, नए फर्नीचर लेकर आए, नए इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि बच्चों को स्कूल एक खूबसूरत जगह लगे जहां पर वो जाके काम कर सके। बच्चों के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कराई। अच्छा, फिर वहां पर मैंने एक इनोवेशन की कि मैंने थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के जरिए टेक फेलोज का कॉन्सेप्ट लाया। टेक फेलोज मीन्स यंग ग्रेजुएट्स हु आर ट्रेन्ड इन टीचिंग कंप्यूटर, स्टेम एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का हमने करिकुलम पहली दफा पाकिस्तान में डिजाइन किया, और वहां इनको ट्रेन कराया, और 200 स्कूलों में इनको प्लेस किया पहले साल। नेक्स्ट ईयर वो मजीद 200 स्कूलों में गए। फिर अपने आने से पहले मैंने वहां एक और बड़ा प्रोग्राम एजुकेशन फेलो का लाया, कि बजाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करने की और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट लाने के, अगेन यू गो फॉर अ टॉप नॉच सर्विस प्रोवाइडर। तो उसमें हमने एडवर्टाइज किया, तो आगा खान यूनिवर्सिटी, लम्स और नॉलेज प्लेटफॉर्म, तीन बहुत बड़े ग्रुप्स ने मिलकर कंसोर्शियम बनाया, और 1200 टीचर इनशाला अगले 2 महीने में अब डिप्लॉय हो रहे हैं, जो कि लोकली रिक्रूटेड होंगे बट ट्रेन बाई टॉप लेवल सर्विस प्रोवाइडर्स। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी परफॉर्मेंस को थर्ड पार्टी वैलिडेट करेगी, एग्जीक्यूट करेगी। दैट वाज अ गुड सॉल्यूशन। फिर वहां पे हमने कैरियर एक्सपोज कराई, ताकि बच्चों को एक्सपोज किया जाए दुनिया भर में नई नई कैरियर अपॉर्चुनिटीज के साथ। तो वो माशाल्लाह बड़ा उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट का कैंपस ले गया गिलगित में। फिर हमने वहां एक IIT मद्रास के मॉडल पे एक कोर्स डिजाइन किया, AI ब्लॉकचेन और डेटा साइंस का, और उसमें हमने इसकी नेशनल बिडिंग कराई। नस्ट ने वो बिड विन की, और पहला बैच उसका तकरीबन 450 से 500 बच्चों का गिलगित और स्कर्दू से ग्रेजुएट कर गया, ताकि वो बच्चे हाई एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सके। तो इस तरह की बहुत सारी गिलगित में इंटरवेंशन की। देन आई केम बैक टू इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में आते ही हमने मिसिंग स्कूल फैसिलिटीज प्रोजेक्ट को पिकअप किया, और आपने एक स्कूल की बात नहीं की, बात की है कि एक स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया। सिर्फ एक को नहीं बनाया, 100 100, आप एक का मैं तस्वीर शायद आपने देखी, बनाया 100 को है। तो अगले 1 अगस्त तक 100 ऐसे स्कूल होंगे, मेरी आपको गुजारिश है आप आके विजिट करें, जिसमें स्मार्ट स्कूल्स की भी प्रोविजन होगी, जिसमें हेल्थ इन्फर्मरी भी होगी, जिसमें अर्ली चाइल्ड एजुकेशन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और HR भी थर्ड पार्टी के जरिए डिप्लॉय होगी, जिसमें चेस एंड स्क्रैबल एंड रूबिक क्यूब्स का पूरा सिस्टम इन प्लेस होगा, ताकि बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो। ये ऑलरेडी प्लेस हो चुका है, जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो दे विल बी रेडी। प्लस हमने कोडिंग फेलोज और AI और चेस फेलोज को हायर कर रहे हैं, जो अगले 4 हफ्ते में हायर हो जाएंगे, तकरीबन 200 स्कूलों में प्लेस होंगे। ग्रेड 1 टू 5 में बेसिक कोडिंग और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ AI, जिसको आप बात कर रहे थे कि AI को इस तरह यूज करें कि नेक्स्ट करिकुलम को वो एक्सेस करने और यूज करने के वो आदी हो सके, ताकि ग्रेड 1 टू 5 में हमको। फिर 100% प्राइमरी स्कूल्स में हमने स्कूल मील्स ला रहे हैं, 100 स्कूलों में हो चुका है, और बाई सितंबर तकरीबन जितने 100% गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में हॉट मील बच्चों को फ्री मिलेगा, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम स्टंटिंग एंड मेल न्यूट्रिशन। फिर हर बच्चे को एक ट्रैक सूट दे रहे हैं, ताकि वो फिजिकल एक्टिविटीज में उसको ला के हफ्ते में 1 या 2 दिन
यूज करे। वी आर गोइंग टू हैव अ नेशनल मैथ्स ओलंपियाड, वी आर गोइंग टू हैव अ स्टैम्प ओलंपियाड अक्टूबर में। फिर पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने पूरे इस्लामाबाद में समर फिएस्टा, समर कैंप्स किए हैं, 50 50 डिफरेंट थेमेटिक एरियाज, फ्रॉम टेक बूट कैंप्स टू चेस टू माइंड गेम्स टू योगा टू आर्किटेक्चर कैलीग्राफी यू नेम एनीथिंग, पूरे बच्चे यहाँ इंगेज रहे। फिर हमने पूरा जुलाई का महीना बच्चों के लिए एडवांस कोचिंग क्लासेस, ऑल द बेस्ट टीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर वर आस्क्ड टू टीच क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स एज हु नीड रिमेडियल सपोर्ट। तो वो उनको मैंने एडिशनल ऑनरेरियम दिया है, वो अब टीचर्स इस वक्त बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट इस वक्त पढ़ा रहे हैं, आजकल वो क्लासेस हो रही है। फिर एवरी स्कूल बाई एंड ऑफ दिस मंथ और बाई मिड विल हैव अ हाईटेक टेलीस्कोप विद अ टीम टू ट्रेन देम टू लुक अपवर्ड्स नॉट टू गो डाउनवर्ड दे विल हैव। देन वी हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश 250 स्मार्ट स्कूल इन इस्लामाबाद एंड बाई एंड ऑफ दिस ईयर एवरी स्कूल ऑफ इस्लामाबाद विल बी अ स्मार्ट स्कूल। फिर हम 175 एडिशनल टेक फेलोज हायर कर रहे हैं जिनको हम ट्रेन करेंगे इन स्टेम, एंटरप्रेन्योरशिप एंड कंप्यूटर, वो भी हम 250 स्कूलों में इनको प्लेस करेंगे फ्रॉम ग्रेड 6 to 10। कोडिंग और एआई फेलोज आर फॉर प्राइमरी स्कूल और ये है फॉर मिडिल एंड हाई स्कूल। एंड वो जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उसके लिए, जो प्री मॉन्टेसोरी है उसके लिए 200 टीचर्स को हम हायर कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आप आए इस्लामाबाद में देखें, इतना खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर इवन प्राइवेट सेक्टर का भी नहीं है जो हमने 100 स्कूलों में किया है इंशाल्लाह। फिर हम 100 जो रूरल एरिया के स्कूल हैं उनको इंशाल्लाह अगले 2 महीनों में सोलराइज कर देंगे, सो दैट वहां जो बिजली की वजह से ना होने की वजह से उनको मसाइल होते हैं वो मसाइल ना हो, क्योंकि रूरल एरिया में बार देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगी। फिर जो रूरल एरिया की आईसीटी की जो बच्चियां थी वो अर्बन एरिया के स्कूलों में नहीं आ पा रही थी क्योंकि कॉस्ट ऑफ जो ट्रेवलिंग बहुत ऊपर हो गई थी, पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो हमने 20 डेडिकेटेड बसेस तैयार कर ली हैं जो 6 o'clock इन द मॉर्निंग से 9 and 1 to 3 स्कूलों के दौर घरों के दरमियान। तो अगेन इट्स एन इंसेंटिव फॉर देम टू डू समथिंग। फिर मैंने असातिज़ा को कहा इंसेंटिव फॉर परफॉर्मेंस। इंसेंटिव फॉर परफॉर्मेंस ये है कि प्राइमरी हाई और मिडिल और इंटर के टॉप 5 स्कूलों के हर उस्ताद को एडिशनल सैलरी मिलेगी बेस्ड ऑन सर्टेन केपीआई ऑफ आउटकम्स डिसिप्लिन अदर थिंग्स रिजल्ट्स, हर चीज का हमने मिला के दिया है, सो दैट इट विल बी इंसेंटिव फॉर परफॉर्मेंस। नई टीचर्स की रिक्रूटमेंट की है, अब फाइनल होने वाली है। 45,000 टीचर्स का हमने एग्जाम एआई बेस्ड लिया है, एक भी कंप्लेंट नहीं आई, सो दैट इट्स अगेन अ स्टेप टूवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग जी, हमने कहा आपको कुछ जो याद आती है मैंने वो आपको बताएंगे। अच्छा, सुन के लग रहा है कि मैं सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन ऑफ सिंगापुर से बात कर रहा हूँ, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। कि ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, आपके टोटल 423 स्कूल हैं, उसमें से आपने 100 ट्रांसफॉर्म कर दिए हैं। और तो मैं एक दो सिनिकल सवाल आ रहे हैं कि एक तो इतने पैसे कहाँ से आ गए, दूसरा ये 10 साल पहले क्यों नहीं हुआ, अब किस खुशी में हो रहा है, और एकदम से ऐसा क्या हुआ कि ये अब हो गया कि एक आदमी आता है और वो सारा ट्रांसफॉर्म कर लेता है, बाकी आके कहते हैं पैसे कोई नहीं है भाईजान कैसे करें। आई वॉन्ट टू जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस, अच्छा, हुआ क्या है यहाँ पे। एक तो सर पैसों का पाकिस्तान में कभी इशू नहीं होता, सिर्फ तरजीहात का मसला होता है। तो जब मैं आया मैंने एग्जिस्टिंग स्पेस देखी तो मैंने इनसे पता किया मिनिस्ट्री में तो सेविंग्स मौजूद, और दूसरे जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनकी भी मैंने तरजीहात को ठीक किया। मिसाल के तौर पे मिसिंग फैसिलिटीज का प्रोजेक्ट होता था, एक पूरी नए स्कूल की दीवार नई गिरा के दोबारा बना देते थे, मैंने उस चीज से रोका, उसको मैंने इन्वर्ट किया कि आप फर्नीचर वॉश फैसिलिटीज लाइटिंग इन चीजों पर तवज्जो दें ताकि बच्चों की वो जो है ना वो जो लिविंग कंडीशंस बेहतर हो। वो दीवार जो है जैसी है गुजारा है 20 साल, वो 200 साल पुरानी दीवार तो नहीं है ना, चलते चलेगी। तो वो पैसे की सेविंग वहां से हुई, प्लस मुझे स्पॉन्सर्स मिले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट। आपकी क्रेडिबिलिटी हो तो आपको बहुत ज्यादा स्पॉन्सरशिप मिलती है, तो मुझे समझे कि जितना मैंने खर्च किया उसमें से 15-20% मुझे सपोर्ट मिली है डोनर कम्युनिटी से, दोस्तों से, बिजनेसमैन से। किसी ने 2 स्कूलों में सपोर्ट कर दी, किसी ने एक में कर दी। ये जो गूगल वाली आप मुझसे बात पहले कर रहे थे, जो गूगल वालों को भी मैंने 2 साल से एंगेज किया हुआ था, तो उन्होंने ये एज ए गिफ्ट 2 रेफरेंस स्कूल बना के दिए। उन्होंने कहा जी आपकी इतनी कमिटमेंट है, वी वॉन्ट टू शो आर कमिटमेंट के गूगल फॉर एजुकेशन की तरफ से, तो 2 रेफरेंस स्कूल बनाए हैं। उसमें बेसिकली वो बच्चों को उन्होंने 2 लैब्स स्टैब्लिश करके दिए जिसमें उन्होंने उनको गिफ्ट किए क्रोम बुक्स
क्लास टीचर्स को ट्रेन किया, मास्टर ट्रेनर, हाउ टू यूज गूगल टूल्स इन अ सिक्योर एनवायरनमेंट, लेसन प्लान्स कैसे लेने हैं, एक्सेस कैसे करना है, बच्चों को ट्रेन किया है, तो वो क्लासेज में बाई रोटेशन वो यूज होता रहेगा। अब दूसरी बात है, हमने गूगल वालों को और काबू किया, हमने कहा कि आप ये जो क्रोम बुक्स है, इट्स अ बजट लैपटॉप, तो आप पाकिस्तान में क्यों नहीं बनाते? तो हम उनको लेकर आए यहाँ पर, उनका नेशनल एनआरटीसी, हमारी एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ एग्रीमेंट करा दी है। अब वो पाकिस्तान में उसको असेंबल करेंगे और 70% मैन्युफैक्चरिंग की जो रॉ मटेरियल है वो पाकिस्तान से अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। उनका प्लान यह है कि अगले 4-6 महीने में यहाँ 500,000 ये बजट लैपटॉप्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो सर ये 50,000 60,000 का विद लाइसेंस हमें मिलेगा। वैसे आप मार्केट में लैपटॉप लेने जाएं 1.5 लाख 2 लाख, ये जो क्रोम बुक्स हैं इसके अंदर इतने टूल्स अवेलेबल हैं कि मैट्रिक तक के बच्चे का गुजारा हो सकता है, हाई एंड नहीं है इसकी, क्योंकि इसमें वो कई जगह कॉस्ट कटिंग करते हैं, लेकिन हमें तो बेसिकली उसी का फायदा है, क्योंकि अफ्रीका में ये बड़ा पॉपुलर है, साउथ ईस्ट एशिया में बड़ा पॉपुलर है, तो वी शुड गो। दूसरी बात है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है तो फायदा एजुकेशन का हो रहा है। दूसरी बात, आखिरी बात जो आपने कहा था 10 साल पहले, बात सर आगे की तरफ सोचें, पीछे हो गया, आगे की तरफ देखा करें, हमने भी तो सर वो बात, ये समबडी हैज टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। दूसरी आखिरी बात ये कि वी हैव टू मेक अ कोलिशन ऑफ विलिंग। मुझे सपोर्ट सिविल सर्विस से भी मिली है, प्राइवेट सेक्टर से भी मिली है, पुलिस से भी मिली है, जुडिशरी से भी मिली है, पॉलिटिकल लोगों से भी मिली है, ये एक बंदे का काम नहीं है, ये एक पूरा मुझे, मेरे पास यंग सिविल सर्वेंट्स की अच्छी टीम रही है जो आइडियाज लेके आती थी। मैं आइडियाज अपने बच्चों से भी लेता हूँ, दे आर जेन जी एंड ये जो मिलेनियल्स हैं, दे आर फुल ऑफ आइडिया। दूसरी बात है सर, दुनिया भर में बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही है, आपने सिंगापुर की बात की, मैं सिंगापुर को भी फॉलो करता हूँ, मैं इंडिया को भी फॉलो, केजरीवाल को मैंने बड़ा फॉलो किया है, IITs को फॉलो किया है, फिनिश स्कूल, ये जो स्कूलों को कलरफुल और खूबसूरत बनाना है ये मैंने फिनलैंड से सीखा है, दे मेड इट सो ब्यूटिफुल सो कलरफुल। अभी आप हमारे साथ बच्चों के साथ स्कूल में हैं, दे डोंट वॉन्ट टू गो होम, क्योंकि 90% सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, ये गरीब बच्चे वो हैं जिनका एक एक डेढ़ डेढ़ कमरों का घर है, वो एक तंग जगह में रहते हैं, जब जब वो सुबह स्कूल आते हैं स्कूल को देखते हैं रंग बिरंगा, स्कूल को देखते हैं पेंटिंग, स्कूल को देखते हैं स्पोर्ट्स रेना, स्कूल में देखते हैं अच्छा खाना मिल रहा है, स्कूल में देखते हैं कि अच्छी एक एनवायरमेंट है, टेक्नोलॉजी है, व्हाई शुड दे गो बैक? तो वी हैव मेड अ होमली एनवायरमेंट इन दिस स्कूल। कई जगह आप देखेंगे, मैं आपको भेजूंगा पिक्चर्स और वीडियोस, और आप जब इस्लामाबाद आई विल टेक यू अराउंड इट, एटलीस्ट इन 100 स्कूल, ऐसी स्टेट ऑफ द आर्ट IT लैब्स बन गई है सर 75 स्कूल में, कि सर आपके प्राइवेट सेक्टर के, आपके पब्लिक सेक्टर की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। बात यह है कि सर पैसे को दयानतदारी से खर्च करें, क्वालिटी पे खर्च करें, और फैसला साजी से डरे ना, और नई चीजों को इनोवेट करने में डरे मत, क्योंकि सर जो बंदा काम करता है वो गलती भी करता है, तो काम करेंगे तो गलत, जो काम ही नहीं करता, जो स्टेटस, सर मैं कोई काम भी ना करूं तनख्वाह मुझे पूरी मिलेगी, तो ये कि काम करें तो अल्लाह ताला को लेगेसी भी बना देगा, आपको दुआ मिलेगी। भैया, मैं हाउ कैन अदर प्रोविंशियल सेक्रेटरीज कॉपी दिस मॉडल? और वहाँ पर 5, 10, 20, 50, 100 जितने भी आप समझ रहे हैं कि आप कहें पैसे नहीं, कल मैं देख रहा था एजुकेशन मिनिस्टर ने फोटो शेयर करी, उस वही था कि जी मैंने यहाँ नई दीवार बनवा दी। तो हाउ कैन वी चेंज दिस टू व्हाट यू हैव डन? आपने जो किया है वो लोग कैसे रहे? अच्छा सर, मैं एक तो ये कि सर मैं व्हाट्सएप पे टेक्स्ट पे और तमाम प्रोविंशियल सेक्रेटरीज पॉलिटिकल लोगों से सिविल सोसाइटी के साथ रबते में रहता हूँ, और डेली मैं अपनी 3-4 एक्टिविटीज उनके साथ शेयर करता हूँ। आज आपको एक गुड न्यूज दूँ, स्कूल फॉर मील्स प्रोग्राम के लिए मैं पिछले 2 साल से पिट रहा था, GB में स्टार्ट किया, इस्लामाबाद में स्टार्ट किया, बलोचिस्तान में सर 15 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, आज KP ने भी अनाउंस कर दिया। तो सर आपको एजुकेशन को एज ए मूवमेंट लेके चलना है, और आपको लोगों को खुद रीच आउट करना है, और मैं रीच आउट कर रहा हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर फॉर पंजाब जो वो आए, उन्होंने हमारे गूगल रेफरेंस स्कूल विजिट किए, एक हमारा नियत इदारा है टेक्नोलॉजी लेट टीचर ट्रेनिंग, उसको उन्होंने विजिट किया, उसका मॉडल जो कि टीचर्स को लेसन प्लान बना के देता है उनके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे। तो टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर, वो जो आप बात कर रहे थे कि अब हमें हर चीज को AI के हिसाब से तैयार करना है, तो हम डेली आई हैव अ यंग टीम, कुछ कंसल्टेंट्स भी हैं जो पहले से काम कर रहे थे, मैंने उनको रीच आउट किया, कुछ आप जैसे दोस्तों से मदद ली, तो वी आर लर्निंग एवरी डे एंड वी आर क्रिएटिंग न्यू एक्टिविटीज, अल्लाह ताला का करम। बहुत ही जबरदस्त। आई एम आउट ऑफ वर्ड्स, मैं तो कुछ बचा ही नहीं है। मैं जब सिंगापुर के सेक्रेटरी के साथ लगा हूँ तो वो वैसे ही एडवांस है, तो जरूरत ही नहीं है कुछ बताने की। सर इट विल टेक टाइम सर, इसके इम्पैक्ट बिल्कुल आने में सर सालों साल लगेंगे, ये 70 साल का है, बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता इम्बेड कर रहे हैं, इट्स इंक्रीमेंटल रिजल्ट्स आते हैं, एफर्ट्स रेवोल्यूशनरी है,
रिजल्ट्स इंक्रीमेंटल होंगे, क्योंकि एक दिन में आप बच्चों का माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मैंने आपको देखा, जब मैं एओसी था, मैंने एक स्कूल को दोस्तों के साथ मिलकर, कोसार मार्केट है बड़ा पॉपुलर, उसके साथ हमने रीबिल्ड किया। अच्छा, जब पहले कुछ हफ्ते थे ना, उनमें मैंने जब पता किया तो बच्चे आपस में बड़ी बदतमीजी, बदतहजीबी, तोड़ फोड़ और गालियों पे आते थे। 6 महीने बाद अब देखिए, बच्चे ऐसे सॉफ्ट हो गए हैं, अपनी चीजों को संभाल कर रहे हैं। आपको इस्लामाबाद का इंशाल्लाह 6 महीने बाद जिन स्कूलों को हमने ठीक किया है ना, कोई दीवार पे स्क्रैच भी नजर नहीं आएगा, कोई ग्राफिटी भी नजर नहीं आएगी, क्लीनलीनेस की ड्राइव चलाई। अच्छा हाँ, एक और चीज, तमाम स्कूलों में इंशाल्लाह अगले 1 महीने तक हम वॉश स्टेशन लगा रहे हैं, ताकि एंट्रेंस के वक्त बच्चे हाथ धोएं। वो तमाम 200 में लगे, 200 और में लग जाएंगे, तो वॉश स्टेशन लग रहे हैं, फिर उनको स्पोर्ट्स किट्स दे रहे हैं, फिर हाँ सर, 20-25 कॉलेजेस में मैंने आउटडोर जिम जिम बनाए, ताकि बच्चे जरा को फिजिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लें। इस तरह का सर, रोज एक ख्वाब देखते हैं, अगले दिन शुरू हो जाते हैं, फिर दूसरे दिन एक ख्वाब देखते हैं, फिर तीसरे दिन शुरू हो जाते हैं। सर, काम करने वाला बंदा और रिसोर्सेज आ जाते हैं। As I said, I'm out of words. You're doing fantastic work already. Last जाने से पहले आरिफ अभी प्रेजेंट साहब ने एक स्पीच दिया था कि यार 27 मिलियन बच्चे जो है ना वो आउट ऑफ स्कूल हैं, और अगर हम इसी तरह से स्कूल बनाते रहेंगे तो 5 लाख स्कूल चाहिए. वी हैव टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स. तो इस वक्त क्रोमबुक जो आपने फरमाया कि 60 हज़ार का नया मिलता है, यू आर राइट. और इस वक्त वही क्रोमबुक पुराना जो है वो मिल जाता है 4,500 10,000 का है, साढ़े चार 9,000 हजार का भी मैंने लिया। 4,500 हाँ का भी हो गया. एंड वही एग्जैक्ट लैपटॉप 2,800 रुपए का दुबई में अवेलेबल है, अगर हम वहां से किसी तरह से इजाजत गवर्नमेंट दे दे कि वो आ जाए, क्योंकि अभी स्मगल होके आ रहे हैं. उसका जो प्रॉब्लम है वो ये कि अलाउड नहीं है. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसमें लुक इन करके ना इसको लीगल करा लें, जाके हमारे जो बच्चे हैं वो चाहे कहीं से भी शुरू करें, वो 2,800 5,000 में उनको हाथ में कंप्यूटर आएगा तो कोई भी रेंज इस नहीं सेक्टर में करेगा. आपको गवर्नमेंट कर दूं कि जो मुझे प्राइवेट सेक्टर की डोनेशन आ रही है उनको मैं यही कहता हूं कि 8,000 और 5,000 वाला मुझे लेकर दें, तो वहां से मुझे सैकड़ों के हिसाब से, मैं भी आपको बताऊंगा नहीं, एक इंटरनेशनल बहुत बड़ा इदारा है, उसमें कोई जानने वाला था, उसने कहा जी हम अमूमन हम 1-2 साल बाद अपना टॉप लेवल आईटी इक्विपमेंट ऑक्शन कर देते हैं, लेकिन आपको हम गिफ्ट कर रहे हैं ताकि आप स्कूलों में दें। तो वो सर 20-25 करोड़ का मुझे इक्विपमेंट दे रहे हैं, जो मैं इंशाल्लाह स्कूलों में डिप्लॉय करूंगा, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लेके लैपटॉप से लेकर डेस्कटॉप से लेके, तो अल्लाह ताला आपको वहां वहां से मदद दिलवाता है, आपकी सोच है सर। तो पीपल हैव सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही है. मैं उसका एक राइटअप मैंने उमर को भेजा था, उमर सैफ को, जब वो मिनिस्टर थे. मैं आपको दोबारा फॉरवर्ड कर दूंगा कि अगर आप पुरानों को लीगलाइज करा देना, क्योंकि हम क्यों खामखाए में इलीगल रास्ता अख्तियार करें, क्योंकि अभी वो स्मगल होके आते हैं. एंड देन मोर एंड मोर पीपल विल अंडरस्टैंड कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी जो आज की टॉक है उससे भी बहुत लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि क्रोम बुक्स आर फाइन फॉर स्टूडेंट्स, और वो एक एंट्री पॉइंट कंप्यूटर है, जाके बच्चे जो है हाथ में कंप्यूटर लेने से. आज मैं यहाँ सिर्फ इसलिए बैठा हूँ कि मेरे सामने, मुझे 12 साल की उम्र में अब्बा जी ने कंप्यूटर दिला दिया था, और मेरे साथ जो दूसरे लोग थे वो थोड़ा से पीछे रह गए सिर्फ इसलिए कि गलत टाइम पे उनको कंप्यूटर मिला. तो मुझे दुख, मुझे ख्वाहिश है मेरी कि हम लोगों ने बिजली के रेवोल्यूशन से फ़ायदा नहीं उठाया, इंडस्ट्रियल वाले से फ़ायदा नहीं उठाया, कंप्यूटर वाले से फ़ायदा नहीं उठाया, इंटरनेट वाले से भी फ़ायदा नहीं उठाया, अब एक मोबाइल वाला है उससे भी फ़ायदा नहीं उठाया. वो तो कोरोना की बदौलत हमारे फ़ोन 20 मिलियन से बढ़ के 150 मिलियन हो गए. अगर वो नहीं होता तो शायद वो नहीं होता. मैं तो हजरत करुणा अलैहि सलाम उनको बार बार इसीलिए करता हूँ, क्योंकि मेहरबानी की हम आईटी में आगे आ गए. अब ये एआई का जो दौर है, मेरी ख्वाहिश है बहुत कि ये बच्चों के हाथ में पहुंच जाए और ये इससे भरपूर फायदा उठाएं, और ऐसा ना हो कि हम इससे भी पीछे रह जाएं. और मैं उसमें आपसे मदद का भी दरख्वास्त गारूंगा, और इंशाल्लाह आप जहां भी इसको इस्तेमाल कर सकें वो भी दरख्वास्त गारूंगा. एक चीज इंशाल्लाह जो हमने छोटी सी इंटरवेंशन और की है अपने स्कूलों में, वो हमने टारगेट ये बनाया है कि 5th ग्रेड में हम बच्चे को कंप्यूटर सैवी इतना करते हैं, इंटरनेट सैवी इतना करते हैं कि वो 6th ग्रेड में जाके $100 अ मंथ कमाना शुरू कर दे, और उस $100 अ मंथ में से 50% वो स्कूल को दे दे, यानी 15,000, तकरीबन 14,000 रुपये महीना, और 14,000 रुपये घर ले जाए. एंड देन 7th ग्रेड $300 पे आ जाए, और 8th ग्रेड में $500 पे आ जाए, सेम 50-50 के ऊपर. अगेन इट्स एन एक्सपेरिमेंटल मॉडल गोइंग ऑन राइट नाउ. उसका फायदा ये होगा कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो या जैसे आप बता रहे थे कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन उनको 2,000 रुपये देती है या 800 रुपये कहीं पे देती है, उसकी जगह स्कूलों को बहुत ज्यादा पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से
वो स्कूल ज्यादा क्वांटिटी में बना सकेंगे, और जो 27 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है उनको भी चैलेंज खत्म हो जाएगा, प्लस जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम दे रहे हैं उससे जो बच्चा है वो ग्लोबल रेडी हो जाएगा रादर देन जस्ट लोकल रेडी होने के। तो ये एक चीज और है जो मैं आपको हमने जो इंटरवेंशन किया है उसके अंदर, और कोई खास हमने चीज नहीं की है। आई थिंक आप हमें वैसे ही सुपरसीड कर गए, इतने अच्छे खूबसूरत स्कूल बना के। हमारा तो छोटा सा चूजा जैसा स्कूल है, आप लोगों के तो नहीं दो सर, दो आपका चौड़े इम्पैक्ट के बहुत एक है, स्कूल आप होते। तो आपका ना इम्पैक्ट बहुत है। हम तो सर सरकार में बैठे हैं, लेकिन मैं हकीकत बताऊं, ओरिजिनल काम स्टेट का है। स्टेट के पास जो कैपेसिटी है वो किसी के पास नहीं होती, सिर्फ स्टेट। लेकिन आज आपने न्यूज आइटम देखा होगा सर, इस साल हमारा जो एजुकेशन का बजट है, पिछले साल 1.5% ऑफ द GDP था, इस साल 1.9 है। इसका मतलब है एनहांसमेंट हुई है। द ओनली थिंग इज वी हैव टू डू इट इन अ रीजनेबल वे, इन एन एफिशिएंट वे, इन अ ट्रांसपेरेंट वे, मोर अलाइंड विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी नीड्स ऑफ द कंट्री। असल बात यह है कि दयानतदारी से खर्च करें और डायरेक्शन ठीक रखें और उसमें थोड़ी सोफिस्टिकेशन लाए। पाकिस्तान का सर तरक्की से कोई नहीं रोक सकता इंशाल्लाह। चला जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहिद्दीन भाई। अब आई एम मोर क्यूरियस टू कम। हमने एक GPT क्रिएट किया है ChatGPT के ऊपर, इट्स कॉल्ड साराबाजी। वो ChatGPT को पूरा उर्दू में कन्वर्ट कर देता है, बातें भी उर्दू में करता है। फिर हमने सराइकी, पंजाबी, पश्तो, सिंधी में भी बना दी है कि वो फिर इधर उधर नहीं जाती, वो नेशनल लैंग्वेज के अंदर ही रहती है और इंग्लिश भी बोलती है। लेकिन प्राइमरी लैंग्वेज उसको डिफाइन कर दिया कि आपने अपनी प्राइमरी लैंग्वेज से बाहर नहीं जाना है, कोशिश ही करनी कि उसी में रहें। और उसमें सारा करिकुलम इनबिल्ट है हमारे मुल्क का, एंड इट्स फ्री ऐप। तो मैं चाहूंगा कि आप उसको भी ट्राई करें और अपने स्कूलों में इम्प्लीमेंट ठीक करवाएं। एंड एक और ऐप है कॉल एनी के नाम से, वो हमारी नहीं है, एंड इट्स ऑल्सो वो इंग्लिश में हर जबान समझती है लेकिन इंग्लिश में जवाब देती है। उसका फायदा ये होता है कि बच्चे की अंग्रेजी बहुत तेज हो जाती है और वो उसके साथ ही गप्पे लगा रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट उन्होंने एवटार्स दिए हुए हैं, शक्लें दिए हुए हैं कि लोग उससे सीख सकते हैं। तो इंग्लिश का जो चैलेंज है वो उससे बाईपास हो जाता है। ठीक है, अगेन मोहिद्दीन भाई, थैंक यू सो मच। अगर आपके पास कोई थैंक यू सर, सवाल हो थैंक यू मेरे फॉर लिए तो इनवाइटिंग मी हाजिर हूँ। सर। बट वी शुड वर्क टुगेदर सर, दैट्स लाइफ इज ऑल अबाउट कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन सर। मैंने कहा ना, देयर इज एक्सेस ऑफ ईविल एवरीवेयर, वी हैव जी टू मेक एन एक्सेस ऑफ एंजल्स। बस मेरी दुआ है यहाँ पे कि इतने अच्छे अच्छे लोग हैं लेकिन वो पब्लिकली सामने नहीं आते। जैसे आपने कहा कि मेरा इम्पैक्ट ज्यादा है, आपका कम है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली तो आप अथॉरिटी हैं, आपके पास पावर भी है और स्पेसेस भी हैं। मैं तो अपने पैसों से जो जमा पूंजी है उससे काम करता हूँ, मैं डोनेशन भी नहीं लेता हूँ लोगों से इस काम करने की। मेरी ख्वाहिश है कि आपको जो बाकी सेक्रेटरीज हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो फॉलो करें और आप हर 3 महीने बाद एक कॉन्फ्रेंस कर लिया करें, 50-60 लोगों की, 100 लोगों की, जो जो आप समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है, और वो आएँ और अपने खर्चे पे आके उस या दूसरों के खर्चे पे आके, आई डोंट केयर, आके एक दूसरे से डिस्कशन कर लें, क्योंकि आपकी बातें और हमारी बातें देर से समझ आती हैं। एंड थिंग्स टेक टाइम, अंडरस्टैंडिंग हर एक की आपकी तरह उन्होंने होमवर्क और बैकग्राउंड नहीं किया होता। बल्कि इनफैक्ट मैं आपसे पूछने वाला था, ये जो सारी आपने लिस्ट शुरू में डिफाइन कर दी जिसकी वजह से आपकी जन्नत पक्की है, वो अम्मी की दुआ थी या आपकी खुद कोशिशें थी या किसी ने दुआ दी थी आपको कि मैं हर मुझे डिपार्टमेंट में अल्लाह आप की दुआ पहुंचे? थी, वालदा की दुआ थी, वालिद ने जो बचपन में ख्वाब दिखाए थे ना सर, यू कैन नॉट अचीव ग्रेटनेस अंटिल यू हैवन ड्रीम्ड ऑफ इट, यू हैव टू ड्रीम फर्स्ट। आप देखेंगे तो बात बनेगी ना सर। जो हमसे चीज मिस हो गई, अब मुझे नई जनरेशन वो चीजें बताती है। और बात यह है कि सर, ना ये नौकरी रहनी है ना जिंदगी रहनी है, तो जितनी लेगेसी है, जितना वक्त है, उसको एफिशिएंटली, इमीडिएटली, ASAP यूटिलाइज करो। बाकी तो सर ये कुर्सी भी नहीं रहेगी, ना खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहिद्दीन भाई। मेरे लिए कोई सवाल? बस सर, आई कीप इन टच विद यू एंड मैं आपको फॉलो करता रहता हूँ, आपसे आपको सवाल पूछता रहता हूँ। बट सर, इस्लामाबाद जल्दी आए एंड वी शुड मीट। जजाकअल्लाह, जब मैं थैंक यू कराची सो आया मच तो मैं भाई। आऊंगा इंशाल्लाह। जी जरूर भाई, थैंक यू इंशाल्लाह, सो मच, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। तो एवरीवन, ये हमारे साथ आज सेक्रेटरी एजुकेशन पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट के थे, और मोहिद्दीन भाई मैं बहुत रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि काइंडली इनको अपनी पॉडकास्ट पे दावत दें, अपने टीवी पे दावत दें, इनका चर्चा करें। चर्चा इसलिए नहीं करें कि ये कोई बहुत आपने इनसे कोई फ़ायदा उठाना है, बल्कि चर्चा इसलिए करना है आपने इनका कि ये जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है और बहुत मिसाली है। और ये जब लोगों को पता चलेगा कि ऐसे स्कूल्स पाकिस्तान में बन गए हैं तो बाकी जो हमारे सिटीजन्स हैं, मुल्क के लोग हैं, वो भी शोर करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि यार ये हमारे गांव में, हमारे इलाके में भी होना चाहिए। रेहान अल्लाह वाला अकेला सब कुछ नहीं कर सकता है,
हम सब मिल के सब कुछ कर सकते हैं अगर हम मिल के काम करें। तो मेरी तमाम पॉडकास्टर से रिक्वेस्ट है कि मोहिदीन भाई के साथ लंबी पॉडकास्ट करें, और टीवी वालों से भी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इनके जो इन्होंने काम किया है वो इनक्रेडिबल काम है। सदियों में ऐसा काम होता है, तो इससे ज़रूर हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और उनको प्रमोट करना चाहिए और उनकी जहाँ तक मदद हो सके वो करनी चाहिए। रिमेम्बर कि वो एक इंसान है, हर वक्त हर एक का जवाब नहीं दे सकेंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरह आज मुझे टाइम दिया वो आपको भी दे देंगे। मेरे को जानने वाले नहीं है, आज मेरी पहली दफ़ा उनसे बात हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहिदीन भाई, जजाक अल्लाह, खुश रहिए, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।